हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओपुस किचन। आज का रेसिपी स्प्रिंग रोल। मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कर लेना। स्टफिंग बनाने के लिए इसमें कट के रखा कैबेज, कैरेट, कैप्सिकम, स्वीट कॉर्न और ग्रीन चिली, गार्लिक सब बारीक चॉप करके रखा। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और एक चम्मच लिया मैगी मसाला, ये होममेड है, पहले मैं वीडियो में देख के रखा, आप लोग देख सकते हैं। एक चम्मच चिली फ्लेक्स, ग्रीन चिली सॉस, सोया सॉस और विनेगर। पैन में एक चम्मच ऑयल गर्म होने के लिए रख देती हूँ। ऑयल गर्म हो गया, अभी जो गार्लिक और जिंजर और ग्रीन चिली लिया वो पहले एक मिनट हाई फ्लेम में सॉल्टी कर लेती हूँ। सारे वेजिटेबल ऐड कर देती हूँ। और हाई फ्लेम में 2 मिनट सॉल्टी कर लेती हूँ। अभी ऐड करूँगी टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, चिली फ्लेक्स और जो मैगी मसाला लिया वो भी ऐड कर देती हूँ और अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। अभी ऐड करूँगी सोया सॉस और ऐड करूँगी ग्रीन चिली सॉस। सारे सॉसेस के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। जो टॉपिंग तैयार हो गया, एक कप मैदा लिया, साथ में एक चम्मच ऑयल और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके एक डो बना लूँगी। अच्छी तरह से मलमल के डो को बना लिया। अभी 10 मिनट सेट होने के लिए रख देती हूँ। डो अच्छी तरह से सेट हो गया और एक बार मल के छोटा छोटा बॉल्स बना लेती हूँ। और एक बॉल्स लेके रोलिंग पैन और बेलन लेके बेल लेती हूँ। थोड़ा सा सूखा मैदा ऐड कर दिया और एक पतला सीट तैयार कर लेती हूँ। ऐसे पतला सीट बेल के रेडी किया और एक चम्मच मैदा और एक चम्मच पानी के साथ एक ग्लू तैयार करती हूँ, मीन्स सटा भी बोलते हैं। ये रोल को, स्प्रिंग रोल को चिपकाने को काम आएगा, तो इसे बना लिया। स्टॉपिंग पहले से बना के रखा, ठंडा हो गया तो सीट के ऊपर ऐसे स्टॉपिंग भर लिया। और दोनों साइड में भी ऐसे, और जो ग्लू बनाया ऐसे लगा दिया। अभी रोल को अच्छी तरह से फोल्ड कर लूँगी। ऐसे सारे रोल को बना लेती हूँ। सारे स्प्रिंग रोल बना के तैयार कर लिया। इधर ऑयल भी गर्म हो गया तो फ्राई होने के लिए रख देती हूँ। एक साइड अच्छी तरह से फ्राई होने के बाद फ्लिप करूंगी। ऐसे सारे फ्राई करके रेडी कर लेती हूँ।
टेस्टी क्रिस्पी स्प्रिंग रोल बनके रेडी हो गया। देख ही सकता है कितना क्रिस्पी बना। एक कट के भी दिखाती हूँ। बहुत ही स्वादिष्ट बना, एक बार जरूर ट्राई कीजिए और आप लोग के एक्सपीरियंस मेरे से शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।